ये अपने ही देश के अनदाता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन खट्टर साहब को इनकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो चौटाला परिवार को लाखों रुपए पेंशन जाए, इस बात की फिक्र है। कहीं पेंशन कट ना जाए, हमने डिमांड की थी कि एक MLA को एक पेंशन दें। हमने कानून बनाया पंजाब के अंदर कि एक MLA को एक पेंशन मिलेगी। हमने हरियाणा के अंदर आके घोषणा की कि आम आदमी पार्टी का हर नेता पूरे देश के अंदर केवल एक पेंशन लेगा। हरियाणा सरकार से भी निवेदन किया कि आप भी एक पेंशन की बात करें, एक पेंशन का कानून लेकर आए। इस पे वो तिलमिला गए। एक पेंशन मिले तो करोड़ों रुपए बच सकते हैं। जब करोड़ों रुपए बचेंगे तो गरीब बच्चों की पढ़ाई के काम आ सकते हैं। मैंने खट्टर साहब के स्कूल की तस्वीर आपको दिखाई, ऐसी हालत स्कूलों की है। मनोहरलाल खट्टर जी से अगर हमारी मान को मान के एक पेंशन का कानून लागू कर देते तो करोड़ों रुपए बचते, तो अपने बचपन के स्कूल में जाते तो उसकी हालत सुधरी हुई होती। ऐसी हालत नहीं होती कि बच्चों के बीच में जाके बताएं कि मैं बचपन इस स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। मैं फिर ये बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करके तिलमिला गए, इसका मतलब ये अपनी पेंशनों को छूटना नहीं चाहते। सरकारी खजाने में लगातार पाँच पाँच छः छः पेंशन का डाका पड़ता रहे, बच्चे त्रस्त रहे अच्छे एजुकेशन के लिए, बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल के लिए दिल्ली की तरह भागता रहे, इन चीज़ों में सुधार करना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ, खटारा हो चुकी सरकार ने अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से चलना शुरू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते वक्त देर नहीं लगेगी। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए और खास लोगों की मनमानी हो। पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवक आज बेरोजगारी की वजह से चल पड़ा है, पूरे हरियाणा के अंदर आज स्कूल और कॉलेजों का बुरा हाल हो चुका है, पूरे हरियाणा के अंदर आज अपराध बढ़ता जा रहा है, गुंडा राज हो चुका है, पूरी तरीके से खट्टर सरकार खटारा हो चुकी है। अब हम इनसे पुनः मांग करते हैं कि एक पेंशन एक MLA के लागू करें कानून को, ताकि ये जो करोड़ों रुपए बचे हरियाणा के हालात को सुधारने के लिए काम आए। एनी क्वेश्चन? पानीपत के नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर अभी इसको लेकर के जो है कि बात हो रही थी कि भाई हाउस की मीटिंग में जो है मीडिया की एंट्री बैन कर दी है, उसको आप क्या देखते हैं कि भाई मीडिया की एंट्री बैन होनी चाहिए ऐसे? मैंने पहले ही बताया कि खटारा सरकार अपने दोषों को कब तक छुपाएगी। मीडिया को बंद कर दे, परंतु पैसे के बंटवारे में इनके पार्षद लड़ रहे हैं कि भाई इसको इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, इतना हिस्सा मिलना चाहिए, तो खुद ही उनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। तो ये जो स्थिति है प्रदेश के लिए, पानीपत के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। 10 मार्च को चुनावी नतीजे आया, 1 महीना हो गया, पंजाब में सरकार बन गई, हरियाणा में पार्टी का ग्राफ ऊंचा उठ गया। अगर आप मानते हैं सरकार फेल है, लोगों के काम नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का रोड मैप क्या है लोगों को सड़क पे लड़ाई लड़ने का? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से तैयार है। जैसे 20 लाख रोजगार का बजट हमने दिल्ली के अंदर निकाला, हरियाणा के युवकों को भी रोजगार देंगे। हमने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर 1 MLA 1 पेंशन की योजना लागू करी, यहाँ भी करेंगे। हमने पंजाब में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया कि आप अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप हमें भेजें, और उसकी वजह से जो 15 दिन में 16 हज़ार करोड़ रुपये का रेवेन्यू पंजाब सरकार को आता था, वो 24 हज़ार करोड़ रुपये का आया। 8 हज़ार करोड़ रुपये हमने 15 दिन के अंदर बनाए। वही रोड मैप जो दिल्ली मॉडल का, वो यहाँ पे है। परंतु इस खट्टर सरकार ने जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होके, अपराधों के अंदर लिप्त होके, बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुँचा के हरियाणा में खटारा कर दिया है, उसको बदलने के लिए हरियाणा का आम आदमी बहुत तत्पर है। पानीपत का नगर निगम इस टाइम पूरे हरियाणा में सुर्खियों में है भ्रष्टाचार को लेके। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी हाउस की, उसमें पार्षद लोकेश नागरू ने इस्तीफा दिया, एक पॉइंट। दूसरा, कमिश्नर नगर निगम ने कहा कि कुछ पार्षद की शिकायत आई है जो पुराने टाइगर ठेकेदारों के साथ मिलकर बेच रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये भ्रष्टाचार में मिलकर सरकार खटारा हो चुकी है।
चारों तरफ पानीपत नगर निगम की बात नहीं है, करनाल नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार पकड़ा गया, वो कहते हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में पैसे जाते हैं, बच्चों का पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पैसा पकड़ा गया, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर पैसे जाते हैं, तो इन हालातों को कहीं ना कहीं सुधारना पड़ा। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो जीने का संगठन है वो प्रैक्टिकल रूप में क्या करेगा, प्रैक्टिकली आएगा? आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल का रोल निभा रही है, कांग्रेस हरियाणा के अंदर हाशिए पे चली गई है और आम आदमी पार्टी इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। करनाल के अंदर भी आम आदमी पार्टी के इंडिपेंडेंट पार्षद ने इनका भ्रष्टाचार को उजागर किया, उस DTP को और पटवारी को पकड़ाया। यहाँ पे हमारे लोग हर रोज़ प्रदर्शन करते हैं, यहाँ का भ्रष्टाचार तो भाजपा के लोग ही पैसे के बंटवारे के कारण खुद ही उजागर करने लगे कि किसको कम मिले किसको फालतू मिले। कल की आपके संगठन की क्या रूपरेखा रहेगी, जैसे कल हाउस की मीटिंग है और उन्होंने टोटली मीडिया में बैन लगा दिया है, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। ये तानाशाही रवैया है, तभी मैं कह रहा हूँ कि सरकार कटारा हो चुकी है। आप इस बात को समझ लें, सरकार अपने दोषों को छुपा रही है, अपने स्कूलों को छुपा रही है, अपने हॉस्पिटलों को छुपा रही है, अपने भ्रष्टाचार को छुपा रही है और इस तरीके से सरकार लंबी नहीं चले। पानीपत रैली कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के गुट नजर आ रहे हैं, अभी भी कुर्सी पे लड़ाई बज रही थी, क्या आगे भी लड़ाई बज रही? जब परिवार बढ़ता है ना जी, तो ये टिकटों का कंपटीशन भी चलता है, बाकी चीजों का भी चलता है, कोई खास बात नहीं है, परंतु परिवार एक रहता है। ये चीजें सारी चीजें सामने, जिला अध्यक्ष की कुर्सी को कौन गिर सकता है, जो जिला अध्यक्ष है वो है, उसकी कुर्सी नहीं गिरा करती कभी भी। गुप्ता जी, आपकी पार्टी की कुछ महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को पार्टी में बहुत कम मौका मिलता है, बात की जाए मंत्रिमंडल में हो या कैबिनेट में, सारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को प्राथमिकता आम आदमी पार्टी देती है, महिला की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया के अंदर जितने कैमरे लगे हैं सबसे ज्यादा राजधानी के अंदर लगाए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक मांग की थी 1,00,000 करोड़ की केंद्र सरकार से, उसको लेकर काफी टिप्पणी आई है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा छूट गए हैं, महीना हुआ हमारी सरकार का हुए, बजट को हम बढ़ा रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार के अंदर हमारा आकर बराबरी का। धन्यवाद जी। एक आपके विधायक आ रहे हैं,